सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारे बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। सहारा सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए फिर लखनऊ पहुंची ददिया पुलिस, निवेशकों से धोखाधड़ी का मामला। बड़ी अपडेट दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 7 अक्टूबर 2022 की, यानी कि अभी अभी की ताज़ा अपडेट। सुब्रत राय को गिरफ्तार करने फिर लखनऊ पहुंची ददिया पुलिस, निवेशकों से धोखाधड़ी का मामला। पूरी अपडेट दोस्तों ये मध्य प्रदेश की है, ददिया की बड़ी अपडेट। सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए ददिया ज़िले की पुलिस लखनऊ पहुंची है। सुब्रत राय और कंपनी के डायरेक्टरों की तलाश में पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही है और सुब्रत राय और उसके डायरेक्टरों के ऊपर अकेले मध्य प्रदेश में लाखों निवेशकों के अरबों रुपये हड़पने के आरोप में 100 से ज़्यादा FIR दर्ज है। देश भर में करोड़ों निवेशकों के अरबों रुपया डकारे बैठी सहारा इंडिया कंपनी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूरे देश में आए दिन सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय और उनकी कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज होते जा रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस की पकड़ से सहारा सुब्रत राय बाहर हैं। अब ददिया पुलिस जिले की पुलिस एक बार फिर सहारा सुब्रत राय की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पहुँची है। दरअसल ददिया ज़िले में भी कई निवेशकों के करोड़ों रुपये सहारा इंडिया कंपनी में निवेश हैं जो परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी सहारा ने वापस नहीं किए हैं। इसके बाद पुलिस ने सहारा के खिलाफ अलग अलग मामले में ददिया ज़िले में विभिन्न थानों में केस दर्ज किए गए हैं। कई बार पहले भी ददिया पुलिस सुब्रत राय को गिरफ्तार करने लखनऊ पहुंची थी। यहाँ दोस्तों एक बार पहले भी सुब्रत राय को पकड़ने पुलिस जो है लखनऊ पहुँची थी उनके मुख्यालय पर, लेकिन असफल रही थी। मध्य प्रदेश को के विभिन्न ज़िलों से पुलिस सुब्रत राय को गिरफ्तार करने जा चुकी है, लेकिन वह अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि यह बात समझ से परे है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की पैरोल पर रिहा हो और जिसकी सुरक्षा को दिल्ली की पुलिस कर रही हो, वह आखिर पुलिस को कैसे नहीं मिल रहा। अब देखना यह है कि इस बार ददिया ज़िले की पुलिस सुब्रत राय की गिरफ्तारी में सफल होती है या नहीं। तो दोस्तों अभी वहाँ पर तलाश जारी है सहारा सुब्रत राय को धरपकड़ के लिए, और उनके जितने भी डायरेक्टर हैं जिन जिन के नाम FIR है उनकी धरपकड़ के लिए ददिया पुलिस लखनऊ पहुँच चुकी है। और जो भी अपडेट दोस्तों हमारे सामने कल निकल कर आएगी आपके सम्मुख ज़रूर लेकर आएंगे। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ऑलरेडी पहले ही से सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें पता चल सके कि इस वक्त ददिया पुलिस सहारा सुब्रत राय को पकड़ने के लिए लखनऊ पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट।